वो ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की की भी काली होती है और लड़के का भी काला होता है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और जो भैया होता है ना वो खड्डा करके घुसाते होते हैं, खड्डे में घुसाता है। Hey guys, this is Roshan, your insane prankster. इसमें इतने हंसने वाली क्या बात थी? कोई लॉजिक बना? रेडी? हाँ रेडी। की गल प्रिया जी, बूंदल बूंदल गए हो, बैठे बैठे फिटे मुंह करा रहे हो, नहीं कोई लॉजिक बना बात का? चलो रेडी, तो गाइस स्टार्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या करने वाली है? साला पौना तो नहीं बना रही? और बंद करो। कोई सेंसेस बात की? साला ये देखने के बाद 3 दिन तो मेरे को टट्टी के टकार आने। नहीं भाभी जी, पहले तो मेरे को आप एक बात बताओ, पहले तो आपका मुंह इतना सावधान इंडिया जैसा, उसमें जो भाभी इधर उधर करती है ना, वैसा आपका टोटल पूरा ए टू जेड वैसा आपका मुंह। ऊपर से क्या है ये क्या मतलब, इतना अश्लील होने की जरूरत है? तुम्हारा घर गृहस्थी, उसको संभालो, अपने पति के साथ जो करना है बंद कमरे में करो, बिना कैमरे के करो, कैमरे के आगे ये क्या मुंह पे टुहले के बैठ जाओ, पागल हो? देखो मेरे प्यारे दोस्तों और उनकी जितनी भी निब्बी बहनों, बात ऐसी है, आज का जो वीडियो है ना वो है हमारा प्रैंक्स के ऊपर। देखो मेरे को पता है, पिछले ना मेरे को काफी मैसेजेस आए, मैं इंस्टा पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं था, तो उस पे मेरे को काफी मैसेजेस आए कि सोफिया अंसारी पर बनाओ, सोफिया अंसारी पर बनाओ। देखो यार मेरे को व्यूज व्यूज की कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना होता है, मेरे को ये शौक है वीडियोस बनाने का, एंटरटेन करने का, आप लोगों को पसंद आती है वीडियोस, मेरे को व्यूज का कोई लेना देना नहीं। सब ये बोल रहे हैं सोफिया अंसारी को रोस्ट करो, आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, व्यूज के चक्कर में मैं फालतू में किसी की बुराई को कर नहीं सकता, ठीक है। अब सोफिया की जहां तक बात है, मेरे को लगती है वो लड़की बहुत प्यारी, ठीक है। अब अगली की ड्रेसिंग सेंस कैसी है तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते। जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई ना, इनको ये लग रहा है हाँ मेरे 15 लाख व्यूज आ गए, 22 लाख आ गए, 25 लाख आ गए। बेटा तुमने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, तुम में और वो उत्तराखंड के सीएम में कोई फर्क नहीं। उसने बोला था कि फटी हुई जींस पहनने तो संस्कारी नहीं है, और तुम लोग ये बोल रहे हो कि सोफिया ने क्लीवेज दिखाया तो वो संस्कारी नहीं है। सॉरी, तो सीधी सी बात है, आज की वीडियो अश्लीलता के ऊपर है, और क्योंकि अश्लीलता का जो ब्रांड एम्बेसडर लोगों ने, ये जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने सोफिया अंसारी को बना दिया, तो उसके फेवर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनी है सोनी है, तू आके देख ले। कुछ भी और कितनी प्यारी लड़की, कितनी क्यूट लड़की, स्किन देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए यार, वैसे आज स्किन तो मेरी भी सॉफ्ट लग रही है, ये रिंग लाइट की वजह से नहीं है, इसके पीछे एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। देखो यार अपन देसी लोग हैं, अपन ज्यादा केमिकल कुमिकल वाली चीजें यूज करते नहीं, अपन यूज करते नेचुरल चीजें। अब उनमें से ही एक है ओहायो नेचुरल फेस ग्लो पैक, जो कि 100% नेचुरल है और लड़के और लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है शॉप जी ऐप पर। अब देखो यार पिगमेंटेशन टैनिंग तो सबके हो जाती है, ठीक है, मेरे भी ये जवानी चढ़ती होती है जो अपनी स्किन को बहुत ही डल दिखाने लग जाती है। ये जो फेस पैक है ना यार, मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूं और सारी पिगमेंटेशन और टैनिंग मेरी हट जाती है। देखो यार इसको यूज करना बड़ा आसान है, आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें ये फेस पैक डालना है, साथ में रोज वाटर या प्लेन वाटर भी यूज कर सकते हो, दोनों डाल के आपको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर लगाना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद धो लेना, देखना ग्लैमर निकलेगा, ग्लैमर। देखो यार ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, अगर आपको भी खरीदना है आप शॉपजी ऐप पर खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करोगे तो जाके आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, और आजकल वैसे भी कैशबैक चल रहा है 30% का, तो आपको काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे जितने भी स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके खरीद लो बस। तो यार बढ़ते हैं आगे, यार आपने चूतिए देखने जिंदगी में तो मैं सही में बता रहा हूं, यूट्यूब लिखो उसके ऊपर सर्च करो अश्लील प्रैंक, जितनी भी वीडियोस आई हैं इनको बनाने वाले और इनको देखने वाले और नीचे कमेंट करने वाले नाइस ब्रा ये सारे हैं।
एक तो जितने भी प्रैंक बनाने वाले सारे घर से निकाले हुए छपड़ी लोग, सालों को बोलना आता नहीं सब्सक्राइब को, सब्सक्राइब लाइक करो यार, कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके। अबे तोतले लोड़े पहले मेरी बात सुन, जाके अपनी 10वीं 12वीं कंप्लीट कर फिर जाके प्रैंक बनाना। साले ने बेफालतू के प्रैंक बनाए हुए हैं, ये प्रैंक का मतलब क्या था? ठीक है तुम ये जाके ना लड़की से बात करते हैं, अगर तो लड़की मान गई तो ठीक है भाई बहुत बढ़िया, उसको ले जाते हैं उससे बात बूत कर लग जाते, अगर लड़की नहीं माने या वो पुलिस केस करते या किसी को बुला ले बोलते अरे वो कैमरा वो सामने कैमरा प्लीज सॉरी वो कैमरा मैम सॉरी मैम। तो ऐसा एक बंदा है, इसकी मैंने प्रोफाइल चेक की, फिटे मुंह इसका मुंह और फिटे मुंह इसकी वीडियोस और फिटे मुंह लोग जो इसको देखते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। मतलब क्या सोच के देखते? अच्छा पहले तो इसने नाम अपना रखा हुआ है लुच्चा वीर, और लुच्चा की स्पेलिंग है LUCHCHA लुच्चा। साले मेरा बस चले ना जुत्ती की जगह कर्सिव राइटिंग तेरे मुंह पे मारूं। खुश रह। क्या नाम है आपका? दीक्षित। दीक्षित क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? घूमने लग रही है। जितनी भी कनॉट प्लेस में लड़की सारी छपड़ी सब बेली हो तुम है? नहीं मतलब घर से निकाली हो, कोई भी आके तुमसे बात कर रहा है, कोई भी तुम्हें जफ्फी डाल रहा है, कोई भी तुम्हें पप्पी कर रहा है। पहली बात जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द प्रैंक्स जो है वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं, इनके खुद के आर्टिस्ट होते हैं, जैसे पिछले ये AVM ट्यूब के AWM ट्यूब जो भी है इस बंदे का नाम, इसने पीछे क्लेश डाला था, वो लड़की ने मिडिल फिंगर दिखा दी थी और ये वो सब स्क्रिप्टेड ही था। इसमें भी मेरे को लग रहा है सारा स्क्रिप्टेड ही है, लेकिन जो स्क्रिप्टेड नहीं है ये एक्चुअल में लोगों से जाके बातें करते हैं। मैं जब दिल्ली गया था मेरे को काफी लोग मिले, मुंह में से साले 150 किलो पान मेरे को पूछा भैया आप आथू वाले वीडियो बनाते थे भैया, साला इतना हमारे बाजार में होली के रंग नहीं बिकते जितना इसने मुंह में घुसाया हुआ, और ऊपर से मेरे मुंह पे बोल रहा है। इसकी मैंने दूसरी वीडियो देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रैंकिंग माय इंडियन डैड वीड प्रैंक। मतलब प्रैंकिंग माय इंडियन डैड, साले तूने बांग्लादेश में भी 2-3 रखे हैं, 1-2 पाकिस्तान में रखे होंगे, श्रीलंका भी एक आधा गया होगा, देख लो किसी को वीजा वूजा लेके फ्रांस तो नहीं भेज दिया साले ने, होलसेल में रखे हैं। मतलब छोड़ के चली गई फिर आ गई, ये क्या होता है? मैं वापस आई ना, अगर नहीं आई होती उसके बाद बात अलग है, पर मैं वापस आई थी। आई तूने एक बॉयफ्रेंड चेंज करा अपना, मैं भी ठीक है। एक नहीं, एक के आगे 2-0 और ऐड कर दे, उसके बाद मैं वापस आना चाहता हूँ। करे ओए होए, एक के आगे 2-0 ऐड कर दे, हाँ शाहिद कपूर के बाद एक तू ही तो बच गया पूरे हिंदुस्तान में, जिसके पीछे लड़कियां मरी जा रही हैं, जहर खाई जा रही हैं, नस काटी जा रही हैं। साले पहले शक्ल देख अपनी जाके, 4 दिन कंबल ना धोया हो ऐसी शक्ल निकलती है। A few moments later. आज लेके आ चुका हूँ बिल्कुल खतरनाक वीडियो, पेल पेल के मारूंगा भाभी को। और अच्छा जरा अपनी माँ बहन को बोल जाके ये मजा तो फेरा है, मैंने वही बोला ना जितने भी प्रैंक करने वाले सारे छपड़ी हैं। हेलो हाय, क्या कर रहे हो यहाँ पे? लो तू अंबला ने अगली चाहे गड़ंग गड़ंग गड़प खेले चाहे लूडो खेले, कुछ नहीं तुमसे मतलब। मतलब यार मैं ना यहाँ पे वहाँ से देख रहा था आप कितनी हॉट हो। ले मैं क्या गल ही कोई नहीं, भाभी तो हॉट ही बहुत ज्यादा, भाभी 3 दिन तंदूर में सोके आई है, साले ट्वीक में जो गंदी जगह ना उतने पेंसिल मारा मैं। और इस वीडियो के नीचे पता नहीं कितने बेवकूफ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, भाई बहुत फाड़ वीडियो, भाई क्या मस्त वीडियो बनाते हो तुम। एक बंदा अलग ही आया भाई, वो पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठा, उसने एक कमेंट किया मोदी इज द बेस्ट PM, योगी इज द बेस्ट CM। अथू वीडियो और भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी थी, और भी ज्यादा लंबी बननी थी, लेकिन YouTube डिलीट कर रहा है ये जितने भी कंटेंट है, जो भी अश्लील कंटेंट है ये सब YouTube से डिलीट कर रहा है, तो इस वजह से जो मेरे बीच में था मैंने काफी एडिटिंग की है, काफी चीजें डिलीट की है और काफी चीजें नहीं अपलोड कर रहा हूं, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और ये जो सब्सक्राइब बटन है ना इसके साथ अश्लील प्रैंक कर दो, बस कर दो, और जल्दी मिलते हैं।